जमात इस्लामी 29 सितंबर को पूरे मुल्क की अहम शराहों पर धरने देगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान की ज़ेर सदारत मंसूरा में हंगामी इजलास। हाफिज नईमुल रहमान ने कहा, हुकूमत ने रावलपिंडी मुहादे पर अमल दरामद नहीं किया। जमात इस्लामी बिजली के बिलों के बायकॉट पर रेफरेंडम कराएगी। 23 से 27 अक्टूबर तक अवामी रेफरेंडम होगा। अवाम के सब्र का पैमाना जवाब दे चुका है, ये लावा किसी वक्त भी फट सकता है। हमारा मुतालबा है कि पूरे मुल्क की अवाम को बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ दिया जाए। लाहौर की शाहराहों पर पहली मरतबा हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलने को तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। बस पर सफर भी किया। लाहौर में सियाहत के लिए नए रूट्स पर 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी में भी एक एक डबल डेकर बस का इजाफा होगा। मुल्तान और फैसलाबाद में भी सियाहत के लिए डबल डेकर बस सर्विस शुरू होगी।